Hello everyone, myself Saviri Sargam and I'm your mentor for your UGC NET Economics exam. In this particular video lecture, we are going to solve some questions related to macroeconomics. Macroeconomics बहुत ही ज़्यादा important part है आपके syllabus का और आज हम कुछ past year solve करेंगे. Today we are going to solve some past year questions. All right guys, so past year questions को solve करना इसलिए important है. We need to know what is the pattern UGC NET is following. Also, it tells you the favorite topics. बहुत ज्यादा भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई नहीं करना होता, एक पैटर्न होता है उसको भी एनालाइज करने का. यूजुअली पीपल विल टेल यू कि पास्ट ईयर्स करके चले जाएं और उससे आपका पेपर जो है वो क्रैक हो जाएगा. दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच टू फॉलो. व्हाट वी आर गोइंग टू डू हेयर इज आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट ईयर्स एंड वी विल डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट. जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आगे पीछे के हम सारे डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए और उस टॉपिक से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर पाए. सो यू नीड टू नो दैट द यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर इज बिकमिंग मोर एंड मोर कंसेप्ट बेस्ड. कंसेप्चुअल होता जा रहा है हमारा पेपर यूजीसी नेट का. तो सिर्फ पास्ट ईयर्स करके और उनके बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर आप सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा. एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज जो एग्जामिनर होता है वो पास्ट ईयर्स के एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के कुछ ना कुछ ऑप्शंस में चेंज कर देता है. उससे भी देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड अगर आप ऐसे रिलाई करके जाएंगे पास्ट ईयर्स पे सो यू वुड नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. Before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel. All these sessions are going to happen from till May. जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वी आर गोइंग टू टेक दिस सीरीज सो दैट यू रिवाइज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से you will get to take part in daily quizzes. Also you will get information regarding your UGC NET economics. Also agar aapke koi bhi doubt hai related to anything, PhD se related, research se related ya aapko exam se related koi bhi doubt hai, so you will get a nice approach here. आपको एक जो doubt clearance होता है वो वहीं पर कर दिया जाएगा from our esteemed team members. या फिर I can take those doubts in these live sessions. तो मुझे पता भी होना चाहिए कि किस particular part में आपको ज़्यादा problem आ रही है. I can take that part in these live sessions. To do join our Telegram group, you will find the links in the description box. Also, I have a great announcement for you guys that we have come up with our own course for UGC NET Economics Paper 1 and Paper 2. So, for the Paper 1, the course is for 3000. For Paper 2, it is for 5000. And Paper 1 and Paper 2 combined, it is for 7000. You will get comprehensive PDFs to study from, videos which will explain all your concepts. You will get mocks, topic wise questions, right guys, and all these questions are going to have their explanation. जल्दी क्या होता है, यू टेक सम मॉक टेस्ट और आपको सिर्फ ये पता चलता है कि आपका स्कोर क्या आया है फ्रॉम द की एंड यू डू नॉट गेट टू लर्न एनीथिंग. यहाँ पे एक जो पर्पज है मेरा आपको यही है कि आप कंसेप्ट समझें और यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ताकि आपकी एक हैबिट की तरह से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना के लिए आ जाए. वेन एवर वी टेक आर सेमेस्टर एग्जाम्स तो एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव आंसर लिख के जाना होता है हमें. But the need of this particular paper is very different. This is a MCQ based question. तो बहुत ही ज़्यादा objective approach रखनी है यहाँ पे और practice से ही आगे. इसीलिए ये course ऐसे ही design किया गया है कि आप videos देखें, PDFs देखें और उनको पढ़ें, analyze करें और उसके बाद अपने mock test लें.
यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स ऑन anujindal.in आर वेबसाइट और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9999466225. राइट गाइज, सो लेट अस गेट इन टू द वीडियो. ये क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर में आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन सेज लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी रादर देन इन्वेस्टिंग इट. पार्ट बी सेज लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी रादर देन होल्ड इट. पार्ट सी सेज लिक्विडिटी क्रंच is a situation of short supply of money in the money market. And part D says credit crunch is a situation of short supply of money in the loan market. अब हर एक पार्ट को देख लेते हैं, हर एक पार्ट क्या चाहता है हमसे. लिक्विडिटी ट्रैप की अगर आपको डेफिनेशन दी हुई है कि वो एक सिचुएशन है जहाँ पे जो लोग हैं दे विल प्रेफर टू होल्ड मनी, वो हाथ में पैसा रखना चाहेंगे एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इट. वो इन्वेस्ट करने के बजाय अपने हाथ में दे वुड लाइक टू कीप मनी. पार्ट बी सेज लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट रादर देन होल्ड इट. लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना और होल्ड रखना नहीं चाहते. लिक्विडिटी क्रंच इज अ सिचुएशन जहाँ पे जो मनी है मनी मार्केट में वो बहुत ही कम है और सप्लाई ऑफ फंड्स मतलब सप्लाई ऑफ मनी वहाँ पे कम है. पार्ट बी सेज क्रेडिट क्रंच इज अ सिचुएशन जहाँ पे देर इज अ शॉर्टेज ऑफ मनी इन द लोन मार्केट, मतलब लिक्विडिटी की कमी है लोन मार्केट में. सो यू नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. पार्ट ए सेज पार्ट ए बी डी, पार्ट बी सेज ए सी डी, पार्ट सी सेज बी सी डी एंड पार्ट डी सेज ए बी सी. तो काफी लंबा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आप लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट. सो क्रेडिट क्रंच से डिस्कस करते हैं शुरू करना. सो क्रेडिट क्रंच क्या होता है? क्रेडिट की कमी होना. सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ क्रेडिट. नाउ क्रेडिट मींस मनी, क्रेडिट का मतलब होता है पैसा और पैसे की कमी कहाँ होना? आपके लोन मार्केट में. तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे यू वांट टू बोरो बट देयर इज नो लोनेबल फंड, एक ऐसी सिचुएशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे आप लोन लेना चाहते हैं लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन ही नहीं है. मतलब जो सेवर था इकोनॉमी का, जो सेव जिसको सेव करना चाहिए था उसने सेव किया ही नहीं. दिस इज द सिचुएशन ऑफ क्रेडिट क्रंच. क्रेडिट नहीं है, इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट कैसे करें? वो बोरो करके ही इन्वेस्ट कर रहे थे और उनके पास वो सेविंग्स ही नहीं है जहां से वो बोरो करें. सो दिस इज क्रेडिट क्रंच. सो पार्ट डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ वी नीड टू एनालाइज दीज थ्री पार्ट. यहाँ पे हर ए बी सी, इन ए बी सी ऑल दीज पार्ट्स हैव वन थिंग कॉमन. व्हाट इज दैट? लिक्विडिटी. अब ये लिक्विडिटी क्या है इसको भी समझते हैं. लिक्विडिटी जो होती है वो है रेडीनेस ऑफ एन एसेट लिक्विडिटी आपको बताती है रेडीनेस ऑफ एन एसेट किस चीज में? ट्रांसफर करने में. सो कितना जल्दी आपका जो एसेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे पर्सन को, दैट इज योर लिक्विडिटी. फॉर एग्जाम्पल, आपको यू नीड टू बाय समथिंग, सम ग्रोसरीज, यू विल यूज कैश और यू यूज पेटीएम. बात यही है सिंपल सी कि आपकी जो ओनरशिप थी, आपके पास कैश था और आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, कितनी जल्दी आप ट्रांसफर कर सकते हैं. ये एक डिग्री के तरीके से हो गया, एक मेजर हो गया डिग्री का कि कितना लिक्विड है आपका एसेट. फॉर एग्जाम्पल, रियल स्टेट को अगर आपको ओनरशिप को चेंज करना है, इट विल टेक टाइम, देर आर अ लॉट ऑफ लिटिगेशन. प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में बहुत सारे काम आते हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके आपको, इफ यू वॉन्ट टू बाय ग्रोसरीज, दैट इज नॉट पॉसिबल. यू नीड टू फर्स्ट चेंज योर रियल स्टेट इंटू समथिंग विच इज लिक्विड लाइक कैश एंड देन ओनली यू कैन बाय योर ग्रोसरीज. सो लिक्विडिटी एक डिग्री है आपके पैसे को मापने की. ओके, अब हम बात करते हैं
बाकी चीजों की। लेट्स स्टार्ट विथ लिक्विडिटी ट्रैप। अब लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन वेयर योर इकोनॉमी इज अ सिंकिंग बोट, आपकी इकोनॉमी की जो नैया है वो डूब चुकी है। एंड इन दिस केस व्हेनेवर देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द मार्केट एंड गवर्नमेंट ट्राइज टू काउंटर दिस फ्लक्चुएशन बाय मॉनिटरी पॉलिसीज, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में कोई फ्लक्चुएशन आई और मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो रिडंडेंट है, वो काम नहीं कर रही है यहाँ पे। फ्लक्चुएशन कैसी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मतलब लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, वो डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती, इंटरेस्ट रेट है जो उसको चेंज करती। इफ गवर्नमेंट एक्चुअली इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट देन पीपल वुड डिमांड लेस एंड सेव मोर, क्योंकि बैंक में से उसको इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिलेगा। पीपल विल गेट मोर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बैंक एंड इन द केस वेयर द इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग गवर्नमेंट पीपल वुड एक्चुअली डिजायर टू सेव मोर रेदर देन स्पेंडिंग। तो इससे क्या होगा, स्पेंडिंग कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और उससे जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो कंट्रोल में आ जाएगा। दिस इज द क्रोनोलॉजी। ओके, तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती है जब आपका लिक्विडिटी ट्रैप होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी मॉनिटरी पॉलिसीज है वो बिल्कुल ही रिडंडेंट है। अब डिस्कस करते हैं कैसे रिडंडेंट है। तो वो ये कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है। इंटरेस्ट रेट इज सो लो दैट पीपल डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट। वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि दे फियर कि उनको रिटर्न ही नहीं मिलेगा, इतना लो हो गया है इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप जो कि ये आपके ग्राफ से डिनोट की हुई है, वेयर द वाई एक्सिस इज इंटरेस्ट रेट एंड एक्स एक्सिस इज योर डिमांड फॉर मनी। और डिमांड फॉर मनी जो है वो बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा इंटरेस्ट रेट को चेंज करने में। गवर्नमेंट के पास एक ही वेपन था, इंटरेस्ट रेट को चेंज करना और उससे डिमांड ऑफ मनी को चेंज करना। नाउ द डिमांड ऑफ मनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटरेस्ट रेट। अब गवर्नमेंट कुछ भी अगर इंटरेस्ट रेट के साथ करेगी तो उसका इफेक्ट जो आपका डिमांड फॉर मनी है उस पर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी जो नैया है वो डूब चुकी है, मतलब उसको बचाया भी नहीं जा सकता। गवर्नमेंट कैन नॉट इवन एंकर दिस सिंकिंग शिप। तो मॉनिटरी पॉलिसीज रिडंडेंट है, ये लिक्विडिटी ट्रैप है। और क्या ये एक्चुअल में हो सकता है, क्या ये इज दिस सिचुएशन फिजिबल इन द रियल लाइफ? यस, दिस हैज एक्चुअली हैपन्ड इन जापान वेयर देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन थी जापान में, इसमें ये हुआ है स्टैगफ्लेशन वेयर वी आर सेइंग देयर इज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी एंड द इन्फ्लेशन रेट इज वेरी हाई। ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन नॉट कंट्रोल योर इकोनॉमी विद द मॉनिटरी पॉलिसीज, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो भी स्टैग्नेंट है, उसमें भी कोई ग्रोथ रेट नहीं है और दूसरी जगह जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। दिस वॉज एक्चुअली वेरी बिग एक्सेप्शन फ्रॉम आर क्लासिकल मॉडल। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए, उसमें से क्रेडिट क्रंच हमें समझ में आ गया है और लिक्विडिटी ट्रैप हमें समझ में आ गया है। सो यस, लिक्विडिटी इज अ ट्रैप, इज अ सिचुएशन वेयर पीपल वुड प्रेफर टू होल्ड मनी रैदर देन इन्वेस्टिंग इट। तो हमारा ए पार्ट ठीक हो गया है एंड डी पार्ट भी ठीक हो गया है। नाउ वी नीड टू कंसिडर टू पार्ट्स,
पार्ट सी सेज लिक्विडिटी क्रंच इज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द मनी मार्केट. अब ये आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, आपको लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ गया है और लिक्विडिटी क्रंच का जो है आपको मतलब क्रेडिट क्रंच से आ जाना चाहिए कि क्रंच है, कम है, मनी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है. सो पार्ट सी इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस. लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज द ऑपोजिट ऑफ क्रंच, मतलब जहाँ पे यू एक्चुअली प्रेफर मनी, यू एक्चुअली प्रेफर कीपिंग मनी रेदर देन इन्वेस्टिंग इट. सो यहाँ पे ये पार्ट क्या कह रहा है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट रेदर देन होल्ड इट, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. पीपल वुड रैदर वुड वॉन्ट टू होल्ड मनी एंड नॉट इन्वेस्ट इट. आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. नाउ यू गाइज कैन ट्राई टू आंसर इन द चैट बॉक्स. अगर कोई भी डाउट भी है तो भी आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं. यू कैन टेक योर टाइम विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा. अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर डाउट्स फ्रॉम देयर. अगर आप लाइव सेशंस भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पे टाइम नहीं है, इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार जो है लाइव सेशंस की वो ये है कि हाथ उठा के बोलना कि मैम मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से समझाइए, सो दैट आई कुड एक्सप्लेन यू राइट हेयर राइट नाउ. बट वट यू कैन डू इज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट्स दे सकते हैं, मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर दूंगी इफ नीड बी. मैं आपके जो डाउट्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में, अपकमिंग सेशन में इसी तरीके से कवर कर सकते हैं. सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग एंड द करेक्ट आंसर इज ए. बी डी इज द करेक्ट पार्ट और ए बी डी के लिए वी हैव पार्ट ए, सॉरी ए सी बी इज द करेक्ट आंसर. ए सी बी डी, सो बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर. ओके, बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू कॉस्ट. मेन्यू कॉस्ट इन द रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूइंग करेंसी, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग प्राइस लिस्ट, सी पार्ट सेज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मॉनेटरी बेस, पार्ट डी सेज कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग बेटर रेट्स ऑफ रिटर्न. ओके, तो मेन्यू कॉस्ट का रिलेशन आपको इन्फ्लेशन से दिया हुआ है और उसे इनमें से क्या कहते हैं. कॉस्ट ऑफ रीवैल्यूइंग करेंसी, करेंसी को रीवैल्यू करना, मतलब करेंसी की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने को कहते हैं मेन्यू कॉस्ट. पार्ट बी से जो प्राइस लिस्ट है उसको ऑल्टर करने की जो कॉस्ट होती है. पार्ट सी से कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मॉनेटरी बेस, एक मॉनेटरी बेस जो होता है उसको मेंटेन करके रखने की जो गवर्नमेंट की नीड होती है उसको कहते हैं मेन्यू कॉस्ट. मॉनेटरी बेस जैसे आपकी जो करेंसीज हो गई उसको मेंटेन करके रखने का. पार्ट डी सेज कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग बेटर रेट्स ऑफ रिटर्न. ओके, ये क्वेश्चन अब आपको जब पता चल जाए कि ये पास्ट ईयर में आया हुआ है तो क्या करेंगे. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो देर इज वेरी रेयर कि ये ही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा. ओके, अब ऐसा नहीं होता. यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स ने अपना बहुत पैटर्न चेंज कर लिया. जो पुराना पैटर्न था जिसके अंदर पास्ट ईयर्स के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ गए थे, दैट हैज कम्प्लीटली चेंज. तो ये नहीं आएगा आपको. तो मेन्यू कॉस्ट के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो आपको समझ लेने चाहिए, विच इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन अ मिनट. You can take your time here and start answering this question in the chat box. And let us understand the concepts. Concepts को देख लेते हैं कि आगे के लिए भी हमारे लिए अच्छा हो जाए. So what is menu cost? So menu cost word कहाँ से आया? किसी आप restaurant में जाते हैं, right? आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप होटल में जाते हैं एंड यू ऑर्डर समथिंग लुकिंग एट द मेन्यू.
and when you have to, a restaurant owner has to change the menu, then there is some cost. एक implied cost होती है वहाँ पे, and that particular cost is called the menu cost. Menu को change करने की cost. But उसके बहुत सारे parts हो सकते हैं. अब आपको reprint करना होगा, और you have to change the price list. उसके लिए भी एक cost involved है. So let us analyze all these costs. So firstly आपको एक cost रहेगी hiring consultant to develop. फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. बट आपका कोई इंडियन रेस्टोरेंट था जिसे आपको मैक्सिकन रेस्टोरेंट बनाना है, मेन्यू चेंज करना है आपको, तो आपको कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो आपकी एक्सपर्टीज थी वो सिर्फ इंडियन खाने में थी. अब आपको चेंज करना है वो मैक्सिकन फूड के लिए, सो यू विल हायर अ कंसल्टेंट. फॉर एग्जाम्पल आप फूड कंसल्टेंट ही को हायर करते हैं जो कि डेवलप करेगा कि आपके मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट डू पीपल लाइक, व्हाट आर देयर लाइकनेस, क्या स्पाइस पैलेट उनको पता है, अलग अलग तरीके से वो एनालाइज करेगा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको क्या चाहिए. नेक्स्ट इज रीटैगिंग द आइटम. अगर ऐसी ही चीज किसी समझ लीजिए क्लोथिंग स्टोर पे होती तो एक टैग होता है, आपने देखा होगा क्लोथ्स के साथ जो आता है, आपको रीटैग करना होगा. यू हैव टू रीटैग ईच एंड एवरी क्लोथ आइटम, सो दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट. नेक्स्ट इज पेइंग कैटलॉग डिजाइनर. अब आप नया कैटलॉग बनवाएंगे, नया मेन्यू बनाएंगे, तो उसको डिजाइन करने की भी एक कॉस्ट होगी. क्यों? पहले तो आपके मेन्यू में साइड में फोटोग्राफ लगी हुई थी इंडियन खाने की, अब आपको यहाँ पे मैक्सिकन फूड की लगानी है, सो डिजाइनिंग कॉस्ट इज आल्सो एडेड टू दिस. नेक्स्ट इज पेइंग कैटलॉग डिजाइनर, दिस वी हैव डन. नेक्स्ट इज डंपिंग ओल्ड प्रिंटिंग कैटलॉग्स. अब जो ओल्ड प्रिंटिंग कैटलॉग्स हैं उसको भी डंप करने की एक कॉस्ट आएगी आपको. नेक्स्ट इज कस्टमर रिलक्टेंस टू बाय एट द न्यू प्राइस. क्या पता जब आप इंडियन से मैक्सिकन में शिफ्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम द इंडियन टू मैक्सिकन क्विजिन्स, यू हैव टू अपग्रेड योर प्राइसेस एंड यू विल एक्चुअली कॉस्ट, दिस विल एक्चुअली कॉस्ट यू इन लूजिंग सम ऑफ योर कस्टमर्स. हायर प्राइस पे पीपल वुड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड सो मच मनी ऑन योर मैक्सिकन रेस्टोरेंट, किसी को पसंद भी नहीं होगा इतने पैसे, क्यों, जस्टिफाइड नहीं लगेगा कुछ लोगों को प्राइस में राइज होना, तो वो भी कस्टमर्स यू विल लूज. ओके, नेक्स्ट इज प्रिंटिंग न्यू कैटलॉग्स. डिजाइनिंग हो गई, अब उनको प्रिंट भी करवाना होगा, उसकी भी कॉस्ट है. अपडेटिंग कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में व्हेन यू मेक बिल तो आपको हर एक का जो प्राइस होता है, हर एक की जो क्वांटिटी होती है वो आप असाइन करते हैं एंड यू हैव टू चेंज दैट टू. नेक्स्ट कॉस्ट इज हायरिंग प्राइसिंग कंसल्टेंट. अब क्योंकि बिजनेस है हर एस्पेक्ट को सोचना होगा, तो आप एक प्राइसिंग कंसल्टेंट को भी लेके आएंगे, अलग अलग तरीके के आपको कंसल्टेंट्स भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. सो ऑल दिस इज मेन्यू कॉस्ट. ये सभी कुछ मेन्यू कॉस्ट में आता है. अच्छा, यहाँ पे एक और तरीके की कॉस्ट हो सकती है, दैट इज शू लेदर कॉस्ट. सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो शू लेदर कॉस्ट होती है ये क्या होती है. व्हाट डू यू थिंक इज शू लेदर कॉस्ट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इन द चैट बॉक्स कि आपको इसकी डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है. इससे भी क्वेश्चन आ सकता है एंड अगर आपने सही बताया सो आई लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन ओनली. तो लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन अगेन. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स और आंसर देते रहें. वही तरीका है टू नो आपकी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज डू लेट मी नो कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 5. दिस इज अ 5 क्वेश्चन सीरीज और हम यहाँ पे हमेशा 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड उसमें से आपके कितने मार्क्स आए रिलेटिव टर्म्स में लेट मी नो. आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी जा रही है. सो
करेक्ट आंसर हेयर इज कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग द प्राइस लिस्ट. ओके सो बी इज द करेक्ट आंसर. राइट गाइज, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन द इन इट्स इम्पैक्ट. ध्यान रखना अब यहाँ पे यू हैव बीन आस्क्ड मोस्ट इन्फ्लेशनरी. मोस्ट इन्फ्लेशनरी आपसे पूछा गया है यहाँ पे, सिर्फ इन्फ्लेशनरी नहीं पूछा गया. कभी क्वेश्चन पेपर में हुए, टाइम क्रंच हुआ, मोस्ट नहीं पढ़ पाए, देयर इज अ चांस दैट यू विल लुक एट द ऑप्शंस. जो भी आपको सही जल्दी से समझ में आएगा, विच एवर ऑप्शन इज रेडिली अंडरस्टैंडेबल टू यू एंड इज कॉजिंग इन्फ्लेशन, हो सकता है आप उसको टिक करके आ जाए. हो सकता है आप एक ऐसा टॉपिक चूज करके आ जाए, एक ऐसा ऑप्शन चूज करके आ जाए जो कि आंसर हो ही ना, क्योंकि यहाँ पे आपसे मोस्ट इन्फ्लेशनरी पूछा गया है. सो पार्ट ए सेज रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, पार्ट बी सेज बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, पार्ट सी सेज बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट एंड पार्ट डी सेज क्रिएटिंग न्यू मनी to finance a budget deficit. So do let me know in the comment section in the chat box what do you think is the correct answer, and let us analyze this particular question. तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बोला गया है repayment of debt. जब government repay करती है debt को, तो क्या होगा, बैंक्स के पास जो है वो पैसा बढ़ जाएगा. बैंक्स विल हैव मोर लोनेबल फंड्स. ओके, बैंक के पास ज्यादा बढ़ जाएगा लोनेबल फंड्स. अब क्या होगा, अब लोनेबल फंड्स बढ़ गए तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, एंड देयर इज गोइंग टू बी एन इन्फ्लेशनरी इफेक्ट. इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा यहाँ से अगर गवर्नमेंट अपना जो पब्लिक डेट है उसको रीपे कर देती है. पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट इन्फ्लेशनरी क्या होगा, तो यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू से कि जो अगर रीपे करती है गवर्नमेंट अपनी डेट को, तो वो सिर्फ पूरा का पूरा कंजम्पशन में नहीं जाता है, अ लॉट ऑफ इट गोज टू द इन्वेस्टमेंट. जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, व्हेन द इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इंक्रीजेस, तो एक नेशन बिल्डिंग होगा. सो एवरीथिंग डज नॉट गोज इनटू इन्फ्लेशन. कुछ ना कुछ आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जो आपकी एक स्ट्रेंथ होती है इकोनॉमी का, उसमें भी जाएगा. लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट पार्ट, बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट. सो क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जब गवर्नमेंट बोरो करती है पब्लिक से तो क्या होता है, पब्लिक के हाथ में कुछ पैसा होता है और उसे गवर्नमेंट ले लेती है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इकोनॉमी में, आपके इन्फ्लेशन पे. सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड आई विल गिव यू अ मोमेंट टू कमेंट. बोरिंग्स हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, कहाँ से फाइनेंस कर रहे हैं, पब्लिक के हैंड्स में से. वी आर टेकिंग द लिक्विडिटी, वी आर रिड्यूसिंग द लिक्विडिटी. सो द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स एक्चुअली डिक्रीजेस, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. ठीक है, परचेजिंग पावर कम होने से द डिमांड विल ऑल्सो गो डाउन, डिमांड नीचे जाएगी. लोगों के हाथों में से हमने पैसा ले लिया, जहां वो डिमांड करने जा रहे थे वो उसके पास लिक्विडिटी ही नहीं है, तो वो डिमांड कैसे करेंगे. सो द डिमांड विल ऑल्सो कम डाउन. डिमांड कम आने से क्या होगा, जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज नहीं करेंगे, वो फॉल करेंगे. तो इन्फ्लेशन की जगह वी विल नॉट गेट इन्फ्लेशन, वी विल गेट डिफ्लेशन. ओके, हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं मिलेगा, प्राइस फॉल होंगे यहाँ पे एक्चुअली. तो बी पार्ट तो ऑप्शन ही नहीं है. राइट गाइस, पार्ट सी को एनालाइज करते हैं हम, बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट.
अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया था तो यू विड नो कि पार्ट सी है जो वो उसका भी मतलब क्या होगा, उसमें लिक्विडिटी कम होगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा या घटेगा और किस प्रोपेंसिटी से बढ़ेगा। सो यहाँ पे इट इज एम्बिगुअस, बोरिंग्स बढ़ती है अगर गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इंक्रीज करेगी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज से इन्फ्लेशन भी हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी प्राइवेट सेक्टर की वो भी खत्म होती जा रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट विल फॉल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, तो जो रिजल्टेंट ऑफ इन्फ्लेशन है दैट इज गोइंग टू बी एम्बिगुअस। क्यों? इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट फॉल होने से तो जो डिमांड है वो कम आ रही है एंड द इन्फ्लेशन विल गो डाउन, और गवर्नमेंट से स्पेंडिंग इंक्रीज करने से जो आपकी स्पेंडिंग है वो इंक्रीज करी और उससे आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज करेगी, उससे योर प्राइजेस नीड टू राइज। बट ये जो तो दोनों इफेक्ट्स हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, सो दे आर नॉट रीइंफोर्सिंग ईच अदर एंड दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उससे जो इन्फ्लेशन का इंक्रीज है फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट विल एक्चुअली फॉल डाउन, तो कम आएगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। लेट अस कंसीडर द पार्ट डी, क्रिएटिंग अ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। आपको क्रिएट करना है न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, इसको और क्या कहते हैं, इसको साइनरेज भी कहते हैं। व्हेन गवर्नमेंट एक्चुअली आस्क द सेंट्रल बैंक टू मिंट मोर मनी सो दैट वो अपनी जो फाइनेंस कर पाए किसको, बजट डेफिसिट को, जो भी बजटरी डेफिसिट है उसको फाइनेंस करने के लिए और पैसे छाप दें। व्हेन द गवर्नमेंट विल एक्चुअली डू दिस, जो पैसा है वो लोगों के हाथ में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि देर इज़ मोर मनी इन द इकॉनमी। मोर मनी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो अवेलेबल अकाउंट था उसमें से ही मोर मनी है, और प्रिंट कर दिया गया है इसलिए एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आ गया है मनी का, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हेयर, क्योंकि बजट डेफिसिट एक किसी भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो वी आर एक्चुअली प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब इससे क्या होगा, people will have a lot of money in their hand, they will demand more and they will actually increase the inflation and the whole increase in the prices is translated into inflation and no part of it is used in any country building activities, right? So here I know इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो रहा है या बहुत ज्यादा, किस पार्ट में, पार्ट डी में। पार्ट डी में बहुत ज्यादा इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन है। सो हियर वी नो द करेक्ट आंसर इज डी, एंड ऑल दोज ऑफ यू हु हैव आंसर्ड पार्ट डी आर करेक्ट। डी पार्ट की वजह से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। I hope you have been answering in the chat box and let us understand the next question. Before that, let us also understand budget deficit को अगर finance करते हैं तो उसके benefits क्या क्या होते हैं या उसके जो नुकसान हैं वो क्या क्या होते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। Problems क्या क्या हैं budget deficit के साथ, increase in the national debt. When the budget deficit actually increases, there is a increase in the national debt. Also what happens is higher debt interest payment. So government को जब debt increase करता है उसका, तो जो principal account उसने borrow किया है सिर्फ वो ही नहीं repay करना है, they actually have to repay our interest also. Government को debt भी देना है, interest भी देना है, so government has to pay the debt and the interest rate.
नेक्स्ट इज द फ्यूचर टैक्स राइजेस एंड देर माइट बी अ फ्यूचर स्पेंडिंग कट. गवर्नमेंट अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोरो कर लेगी तो वो स्पेंड कब करेगी, जब उसको एमरजेंसी टाइम में करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड की बात की जाए, यहाँ पे जो जो कंट्रीज ऐसी थी जिनके बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, दे वर नॉट एबल टू स्पेंड मच ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, तो आपको एक फ्यूचर स्पेंडिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए. नेक्स्ट इज पोटेंशियल क्राउडिंग आउट. ये एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करती हैं तो देर इज डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोनेबल फंड. एक लोनेबल फंड है, उसको हम एक पूल मान लेते हैं, उसी में से गिवन गवर्नमेंट भी लेती है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी रहता है. जब सभी कुछ गवर्नमेंट ले लेगा उसमें से, गवर्नमेंट ही बोरो कर लेगा, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा. If we consider that loanable funds are a pool and the government and the private sector, both of them need to borrow from this pool only. So what will happen if the government spending or the government borrowing increases drastically? There would be fewer loans available for the private sector. So इससे क्या होगा? Private investment will fall down. ओके, सो इसको हम क्राउडिंग आउट कहते हैं. दिस इफेक्ट इज नोन एज क्राउडिंग आउट. नेक्स्ट इज पोटेंशियल इन्फ्लेशन. अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे इन्फ्लेशन हो सकता है. नेक्स्ट इज हायर बॉन्ड यील्ड. दिस इज अ वेरी टेक्निकल पार्ट एंड वी कैन टेक दिस अप इन द अपकमिंग लेक्चर, कि जो बॉन्ड यील्ड होती है वो भी बढ़ जाती है ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ओके, नेक्स्ट इज बेनिफिट. क्या क्या होते हैं? इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ. जब बजटरी स्पेंडिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट कहाँ करती है? वेलफेयर एक्टिविटीज पे करती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी अगर इंश्योर करती है फ्रॉम द बजटरी एक्सपेंडिचर. फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का मतलब कि बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, कुछ सेक्शन को फूड जो है वो कम दाम पे या जीरो प्राइस पे अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा? फूड सिक्योरिटी इज बींग इंश्योर्ड हेयर. सो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट इज मेक्स यूज ऑफ सरप्लस सेविंग इन द रिसेशन. अगर गवर्नमेंट है जो वो अपना जो बजट डेफिसिट है उसको फाइनेंस कर रही है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रिसेशन है उस टाइम में ये काम आएगा. ऑल्सो इट इज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर. अगर एग्रीगेट डिमांड नहीं आ रही है और किसी सोर्स से, तो एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की तरह भी ये बजटरी डेफिसिट काम करता है. नेक्स्ट इज फाइनेंस पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट कुड एक्चुअली फाइनेंस द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, वेयर गवर्नमेंट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस. फॉर एग्जाम्पल पावर जनरेशन में भी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है. ठीक है, तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी आपके बजट डेफिसिट फाइनेंस कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों ही साइड पढ़ लिए इसके. अब कैसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे हमें बजट डेफिसिट के बारे में, वी नो एवरीथिंग. ये जो पार्ट है बजट डेफिसिट का, ये आपका जो पब्लिक फाइनेंस है उसके टॉपिक में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमने दोनों ही पार्ट यहाँ पे कवर कर लिए, मैक्रो का भी और पब्लिक फाइनेंस का भी. मैक्रो की यही ब्यूटी है कि वो हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता है. अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स ओनली. पब्लिक फाइनेंस का भी पार्ट, बैंकिंग का भी पार्ट इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इसीलिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो जो हम कर रहे थे तब वहां पे भी मैंने आपको यही बताया था कि स्टार्ट कीजिए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स से कीजिए,
that will help you out in other subject also. When you will reach those subject, you will actually realize ki jo conceptual part hai, whatever there is a conceptual part, that is already covered in the macroeconomics. All right, guys. So let us move on to the next question. I hope you have been answering in the chat box. And let us discuss this question number 4 about non-accelerating inflation rate of unemployment. Now you need to tell me ki definition kya hai isme se. Nehru ki. Which is non-accelerating inflation rate of unemployment. You can take a minute here. I'll give you some time here ki aap is particular question ko solve kar paye. Let us see हमें parts में पूछा क्या गया है. Part A says a rate of unemployment for which change in the rate of inflation is zero. Okay, change in the inflation rate पूछा गया है यहाँ पे आपको. Inflation rate as such नहीं, change उसमें. Part B says a rate of inflation which makes the rate of unemployment zero. तो ऐसा एक inflation rate जो कि rate of unemployment को zero कर दे. Part C says a rate of inflation for which the change in the rate of unemployment is zero. Part D says a rate of unemployment which is equal to the rate of inflation. ऐसा rate unemployment का जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो रेट है वो बराबर हो गए. यू गाइस कैन टेक अ मिनट हेयर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट मी नो इन चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी नेहरू और नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ मिनट. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आपको क्या लग रहा है. एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट भी है. मज़ा आएगा इसको पढ़ के. सो लेट्स गो गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो फिलिप्स कर्व हमें सबको याद होना चाहिए. फिलिप्स कर्व कहता है, फिलिप्स कर्व सेज दैट व्हेन your inflation rises, your unemployment rate will come down. That means a policy maker has an option of trade-off between these two. या तो economy जो है वो higher inflation bear कर सकती है या higher unemployment rate. अब ये policy maker के ऊपर है कि वो क्या करेगा. Either he can decrease the inflation rate to increase the unemployment or he can bear the higher unemployment rate with a leveled inflation rate. एक ये trade-off बन गया दोनों के बीच में. ये था फिलिप्स कर्व. ठीक है, जब भी कोई थ्योरी आती है उसके बाद उसका एक एम्पिरिकल टेस्ट होता है. ठीक है, 1930s से लेके 1970s तक अप्रोक्सीमेटली ये जो रिलेशनशिप है, ये जो ट्रेड ऑफ है, दिस ट्रेड ऑफ वाज एक्चुअली फिजिबल फ्रॉम 1930s टू 1970s. ये चल रहा था ऐसा ट्रेड ऑफ, लेकिन उसके बाद ये ब्रेक कर गया. तो इम्पीरिकली क्या हो गया, फिलिप्स कर्व फेल हो गया. कोई भी थ्योरी अगर फेल करती है, वेन एवर अ इकोनॉमिक थ्योरी एक्चुअली फेल, इकोनॉमिस्ट विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट व्हाई इज इट हैपनिंग. वहीं से आया है इन्फ्लेशन रेट. तो यहाँ पे डेफिनेशन को यहीं से समझते हैं. नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट. नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब कि वो बढ़ेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करेगा ऑफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये रेट ऑफ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसपे इन्फ्लेशन रेट एक्सेलरेट नहीं करता. इसको समझ लेते हैं. तो इम्पीरिकली इकोनॉमिस्ट एक्चुअली सी कि एक लेवल तक ही जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना चाहते हैं
और इन्फ्लेशन रेट को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक लेवल से नीचे आए. वी नीड टू डिक्रीज दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम अ लेवल. तो हम क्या चाह रहे हैं, द इन्फ्लेशन विल गो अप. वी आर सेइंग नेहरू एक ऐसा लेवल है, दिस नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लेवल आफ्टर विच द इन्फ्लेशन विल गो शूट अप. अगर हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इस लेवल से कम करना चाहेंगे, द इन्फ्लेशन रेट विल शूट अप, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट फिजिबल. बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फिजिबल. हम ये कह रहे हैं कि इस लेवल से, इस अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल से जो नेहरू जिसको कह रहे हैं, उससे अगर हम नीचे अनएम्प्लॉयमेंट को करना चाहेंगे, इफ़ वी वॉन्ट टू डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल लेसर देन दिस नेहरू, देन द इन्फ्लेशन रेट विल शूट अप. तो दैट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल. तो ये एक लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया जिससे नीचे हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रेड ऑफ को नहीं रख सकते. लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कर्व. अगर यहाँ तक कोई डाउट रह गया है, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड वील टेक योर डाउट्स देयर. कमेंट सेक्शन में भी यू कैन पोस्ट योर डाउट्स. ठीक है, अब इस ग्राफ को समझते हैं जिसमें पूरी की पूरी स्टोरी है ऑफ फिलिप्स कर्व. तो फिलिप्स कर्व अदरवाइज ये होता, वेयर ऑन वन एक्सिस वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट एंड फॉर द अदर एक्सिस वाई एक्सिस वी हैव इन्फ्लेशन एंड वी हैव अ डिक्रीजिंग कर्व की इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. राइट गाइज, सो अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ तो हम इस पॉइंट से यहाँ पे आ गए वेयर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज इंक्रीज्ड. अब लोग क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि लोग भी बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट खत्म करते जाएं और इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज करते जाएं तो जो लेबर है दे वुड नो कि जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में वो बहुत बढ़ गया है. नाउ दे विल एक्चुअली स्टार्ट डिमांडिंग मोर मनी, मोर वेजेस. जब वेजेस के लिए वो और ज्यादा डिमांड करेंगे, व्हाट विल हैपन, द कॉस्ट फॉर द बिजनेसेस विल इंक्रीज. कॉस्ट जो है बिजनेसेस का, दे आर गोइंग टू शूट अप, क्योंकि वेजेस ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, कॉस्ट बढ़ जाएगी. इससे क्या होगा, दे विल एक्चुअली प्रोड्यूस लेस. प्रोड्यूस लेस करने के लिए दे विल डिमांड लेसर लेबर. लेसर लेबर अगर डिमांड होगी, देयर इज गोइंग टू बी हाइयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द मार्केट. सो हम कहाँ पहुँच गए, वापस से वहीं पे पहुँच गए. शुरुआत हमने कही थी चलो इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, लेकिन उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से उसी लेवल पे पहुँच गया. सो इन द शॉर्ट टर्म व्हेन द इन्फ्लेशन रेट वॉज 2%, दिस वॉज योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था और कम करना था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था आपको और कम करना था, तो आप हाइयर रेट ऑफ एक इन्फ्लेशन पे पहुंच गए जहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घट गया और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया. अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम पीपल विल रियलाइज कि जो मेरा इन्फ्लेशन था वो बढ़ चुका है एंड दे विल अगेन कम बैक टू दिस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो दिस इज नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. अगर क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई विल क्लियर योर डाउट्स देयर. सो कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, अब आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे
कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा. टेक योर टाइम हेयर एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है. सो आई होप कि आपने आंसर कर लिया है. सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन है दैट इज नॉन एक्सेलरेटिंग एट नैरो. ठीक है, तो ए पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन. अ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है नैरो, फॉर विच द चेंज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज जीरो. सो पार्ट ए इज योर करेक्ट आंसर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर टर्म वॉज यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट. तो किसने यूज करी थी रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर. पार्ट ए सेज जे शूमपीटर, पार्ट बी सेज जे आर हिक्स, पार्ट सी सेज कार्ल मार्क्स एंड पार्ट डी सेज माल्थस. इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं. ये बस एक रिमाइंडर था आपके लिए कि फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम पेपर में. ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है. और आपको ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे इकोनॉमिस्ट का नाम पूछा जाएगा या मैच द फॉलोइंग में किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यू नीड टू नो द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड द स्कूल ऑफ थॉट दैट दे बिलोंग फ्रॉम. सो ये जो पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर दिया था, ही वॉज अगेंस्ट कैपिटलिज्म. He was against capitalism and he said ki in a capitalistic system there is always going to be a reserve army of labor where they will actually keep a surplus labor taki jo labor hai uske jo rate hai matlab wage rate jo hai wo hamesha kam rahe. So this was the theory of this economist. अब आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि who is this economist among these. बहुत बड़ा हिंट दे दिया है मैंने आपको. आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आपको ये पर्टिकुलर बात पता ही होनी चाहिए कि रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर किसने दिया था. पार्ट ए सेज जे शूमपीटर. अब जे शूमपीटर एक्चुअली कहते हैं इनोवेशन होनी इकोनॉमी में बहुत ज़रूरत है. और इनोवेशन कहाँ से आती है, जब एंटरप्रेन्योरियल जो एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं तब आपकी इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा चेंज आता है. नेक्स्ट इज जे आर हिक्स. ये आपको पता है यूटिलिटी से आते हैं, यूटिलिटीज के कॉन्सेप्ट दिए इन्होंने. आईसीज इनडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट दिया है. पार्ट सी कार्ल मार्क्स एंड पार्ट सी टी आर माल्थस. माल्थस ने पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया है. नाउ आई होप मोस्ट ऑफ यू गाइज वुड बी एबल टू जज दैट द करेक्ट आंसर इज सी. सी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स. और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपके आउट ऑफ फाइव क्या स्कोर रहा है. ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, इनको भी करना जरूरी है. पास्ट ईयर क्वेश्चन से आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी क्लियर होती है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे ध्यान ज्यादा देना है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पैटर्न बन गया जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर का. तो ये चीजें हमें पास्ट ईयर से ही पता चलेगी. और ये सेशंस ऐसे फाइव क्वेश्चन सीरीज हम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वी आर गोइंग टू कीप हैविंग दीज पर्टिकुलर सेशंस ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए. ऑलराइट गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड आल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पे आ जाए. ऑल्सो प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन चेक आउट आवर कोर्स on our website or contact 9999466225.
थैंक यू गाइज एंड हैव अ वेरी नाइस डे. कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.